kadar dar gece. Indian Army'miş ya. Indian Army. Hello dostum, kaise ho? Good morning. Good morning, namaste. Hello, namaste. Kya bhai? Okay. Hello, how are you? Aaja, aaja, andar aa. Chalo. अच्छा लगता है? ओह अच्छा लगता है। ये मेरी मम्मी है। अच्छा। ये संजय जी। नमस्ते। नमस्ते मम्मी। बैठे। बैठे इधर बैठे इधर बैठे। ओके। बैठिए। बैठिए। आओ। क्या घूमती है? बैठ आ जा आज आ जा। इधर इधर बैठे मम्मी के पास। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवा दी? नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग इतनी दूर से आए वीडियो बनाने के, उसमें फिर भी आप आए, यू नो मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि आप मिले। आपका GPS सिग्नल लॉस्ट। ये छोटी सी बच्ची जो भी घूमती है। आप अभी कहाँ से आए थे? हम एक्चुअली हम शिकागो में रहते हैं, USA में ना। तो आपका वीडियो मैं क्योंकि हिस्ट्री मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ और हिस्ट्री मैंने पढ़ा है, तो मैं कुछ हिस्टोरिकल कुछ देख रही थी, तो आपका चैनल जो है ना पॉप अप किया। अच्छा। तो मैं कहा चलो देख लेते हैं, बिकॉज राजस्थान जो है ना मेरा फेवरेट स्टेट है। मतलब मैं घूमी हूँ पूरी, मगर राजस्थान इतना अट्रैक्ट करता है, मुझे ही नहीं मेरे हस्बैंड को भी, मम्मी भी मेरे साथ घूमी है, यू नो लाइक हमको राजस्थान से इतना प्यार है। ऐसा होता है ना कि एक एनर्जी खींचती है हमें यहाँ पे, और एवरी ईयर हम आते हैं। इस बार क्या हुआ, तो वो राजस्थान का था, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं ना, क्योंकि राजस्थान का कोई भी वीडियो ना मैं देख लेती हूँ, चाहे वो भले ही क्यों ना ओरिजिनल सॉन्ग्स हो उनके या डांस वांस वो दिखा रहे हो, फिर भी मैं देख लेती हूँ, यू नो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। तो मैंने ऐसे देखा तो आपका वो महाराणा प्रताप का पॉप अप हुआ ना, हल्दी घाटी वाला। हाँ, हल्दी घाटी वाला। तो मैंने कहा कि ओह माय गॉड, क्योंकि मैं खुद महाराणा प्रताप के ट्रेल में गई हूँ। और पूछो मम्मी से, चार साल पहले मैं प्लान बनाती हूँ ना कि कौन सी हिस्ट्री में जाना है, तो महाराणा प्रताप मैंने किया, उनका जो पूरा वो है ना, जहाँ पे वो पैदा हुए, कुंभलगढ़, फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़, फिर उसके बाद हम जहाँ पे उनकी डेथ, पूरा मेवाड़ हम घूम लिए गली गली, मतलब। और वो जो ड्राइवर मेरे साथ जाता है ना, वो तो बोलता है मैडम ये तो आप कोई भी नहीं आते ऐसी जगह पे, आप आ जाते हो, यू नो लाइक ऐसा। अब क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ ना, तो सारा मैं रिसर्च करती हूँ ना, कहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं था, वो जो एक्चुअल में है वो देखने का फिर इंटरेस्ट रहता है। फिर वो चावण में तो कोई जाते नहीं थे, पता है लोगों को पता भी नहीं है कि चावण में महाराणा प्रताप की फोर्ट थी, और लास्ट मतलब इयर्स में वो वहाँ पे रहे थे ना, और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई, यू नो। तो वो जो छतरी बनी हो, आप बिलीव नहीं कर सकते हो, वो मतलब वो ट्रैवल करते करते मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि जो भी हो महाराणा प्रताप जैसे शख्स है ना, लाइक यू नो इट्स लाइक अपने देश के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, है ना। तो मैं वो छतरी को ऐसे छू छू के उनको फील करती थी, पता है कि कुछ भी हो वहाँ पे उनको जलाया है ना। हाँ, वो चेतक जहाँ पे उसका, वो चेतक जो मर गया, एक चुलू वो जगह है ना, उस पे मतलब पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि उस पे कुछ बना नहीं है ना। और बहुत सारी चीज दुख होती है कि भाई यू नो ये सब चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए। और मैं कितना पोस्ट लिखती हूँ, लाइक ब्लॉग्स लिखती थी कि लाइक इंडियन गवर्नमेंट को और भी थोड़ा यू नो राज्य सरकार को, हाँ, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। और मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं उसको टच करती, पूछो मम्मी से
मम्मी भी हो जाती है मेरे साथ क्योंकि मैं उसके साथ लाइक घंटों घंटों में वो छतरी में बैठी रही. अच्छा. फिर वो चेतक भी जहाँ पे मर गया यू नो लाइक यू नो वो जगह भी यू नो नाला आपने देखा था. हाँ, नाला हाँ छलांग लगाया वो सब. तो मैं इतना डूब जाती हूँ ना फिर उसके बाद तो और भी वो सबसे लंबी ट्रिप हमारी वही थी महाराणा प्रताप. फिर उसके बाद तो हम ये ईस्टर्न जो इतने हर साल एक राउंड तो आपका पक्का इंडिया में है एवरी ईयर. वैसे क्या काम करते हो आप? बिजनेस वगैरह? हमारा बिजनेस है. हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बिजनेस करते हैं. अच्छा. बट जो ये हिस्ट्री है ना वो मेरी पैशन है. इंडिया छोड़े हुए कितने साल हो गए आपको? 28 साल. अच्छा, 28 साल. मोर देन हाफ ऑफ द लाइफ मैं यूएस में गुजार चुकी हूँ. तो मेरा बेटा वहीं पे पैदा हुआ, 25 साल का है मेरा. आप ही गए थे? आपके माता पिता तो यहीं रहते थे? हाँ, मेरे मम्मी पापा तो अभी रिसेंटली उनकी डेथ हो गई तो इस बार इसलिए नहीं जा पाए हम लोग ट्रिप में क्योंकि हमको हरिद्वार जाना था वो गंगा में नहाने उनका वो ना वो सब करना. तो हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश चले गए. ये जान के बहुत खुशी हुई कि विदेश में रहते हुए भी आप इंडिया में आए गंगा जी के दर्शन करने के लिए. नहीं वो तो रखना ही है भैया, वो नहीं होने से तो नहीं होता. हम लोग कितना भी कुछ कह लो एक्चुअली बताया क्या, मैं इंडिया में जब रहती थी ना मैं बहुत हिप्पी थी, ऐसे ही थे कॉलेज पढ़ो ये पढ़ो यू नो ऐसा लगता है. हाँ है इंडिया में सो वॉट वाली बात है और हिस्ट्री भी पढ़ते ही थे स्कूल कॉलेज में यू नो. तो ऐसा नहीं था कि पैशन है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं था यू नो. जब आप बाहर रहते हो ना तब मतलब और ज़्यादा अच्छा लगता है. सबको नहीं होता होगा वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन जिसको एक होता है ना जो मुझे तो अंदर से है और मैं उसकी वैल्यू इतना करती हूँ ना. तो मैं अपने बेटे को भी देखो वो तो वहीं पैदा हुआ, उसके स्कूल बुक में तो सिर्फ एक बार 8th स्टैंडर्ड में था तो गांधी के बारे में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता है वहाँ पे. ठीक है. तो वो महात्मा गांधी के बारे में मैंने तो उसको बचपन से ही बोल रखा था. जब वो इंडिया आया तो मैं उसको ले गई मुंबई जहाँ पे वो महात्मा गांधी रहते थे जिस घर में, तो वो सब देखा हुआ था यू नो. फिर उसको पुणे में लाइक ना सब कुछ मैंने उसको दिखाया. फिर वो अहमदाबाद का जो वो सब आश्रम है सब, तो वो जब क्लास में जब उसको गांधी पढ़ाया ना तो वो सब टीचर को बताता था कि मैं गांधी जहाँ पे रहते थे मैं वहाँ पे जा चुका हूँ. तो उसका टीचर बोला व्हाट यू डिड गो, तो सब मतलब वो फैसिनेट हो गए क्योंकि उसको मैंने बचपन से ही सब कुछ सिखाया. तो सिर्फ गांधी सिखाते हैं, बाकी तो इंडियन हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उसको सारा इंडियन हिस्ट्री मालूम है. अच्छा. और आप शुरू से 5000 साल की पहली वाली हिस्ट्री से लेके ब्रिटिश राज तक क्या हुआ. अपने इंडिया में भी पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, ये जो करंट की है ना 2000 साल मुश्किल से 2500 साल, 10000 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती. उसे तो उसमें जोड़ देते हैं कि भाई 10000 साल पुराना यहाँ पर कुछ नहीं था, वो तो काल्पनिक बातें हैं. और पता है बहुत जीन तो मम्मी से आई क्योंकि मम्मी जो है ना हिस्ट्री में मेजर करी है ना अपनी कॉलेज टाइम में, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है. तो वो भी हमें बहुत चीज बताती रहती थी ना बचपन में. तो होता है ना वो बचपन में टीनेज में उतना नहीं हुआ लेकिन बाद में जाके ऐसा लगा कि नहीं कितना इंटरेस्टिंग है दुनिया. और मैंने तो फिर ये जर्नलिज्म ही पढ़ी तो ये ना सारी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी थी ना. तो और दूसरी बात ये कि इंडियन हिस्ट्री जितना इंटरेस्टिंग है दुनिया की कोई भी हिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं है. आप यूरोपियन हिस्ट्री देख लो, आप रोमन हिस्ट्री देख लो, अमेरिकन तो हिस्ट्री है ही नहीं. वो तो 4-5 साल तो भी मुश्किल से उनकी हिस्ट्री थी ही नहीं. जितनी भी लोगों से अमेरिकन से इंटरेक्शन करती हूँ उनका ड्रीम होता है एक बार कि मैं इंडिया जाऊँ. अच्छा, उनका ड्रीम मुझे बताते हैं. हाँ, बोलते थे इट्स माई ड्रीम टू गो टू इंडिया. और जो जाके आए हैं वो तो पूछो ही नहीं, इतना वो डूब जाते हैं बस इंडिया के ख्याल में ही डूबे रहते हैं. अच्छा, इंडिया को किस तरह से देखते हैं, किस पहचान के? बहुत ही अच्छी तरह से. आप कोई भी ऐसे अमेरिकन से नहीं मिलोगे जो ये बोलेंगे कि इंडिया खराब है या सब अच्छा बोलते हैं. सब वो बोलते हैं डिस्पाइट ऑफ लिटिल बिट वो डर्ट है इधर है वो, फिर भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आई नो हमको इंडिया बहुत अच्छा लगा. और वो जो भी जाते हैं ना वो एक्चुअली स्पिरिचुअली वो लोग इतना वो ब्लिस होके आते हैं ना कि वो इंडिया के ही उसमें होते हैं. मतलब बहुत अभी कल पुष्कर जा गए थे क्या आप? कल हम अजमेर गए. पुष्कर हम बहुत बार जा चुके हैं. एवरी ईयर मैं आती हूँ जयपुर अजमेर, तो मैं पृथ्वीराज चौहान का जो है ना वो देखने नहीं जाती हूँ. हाँ, मेरे कहा इस बार में हम जाएंगे. अच्छा. पृथ्वीराज मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी ना कि वो ताड़ागढ़ फोर्ट तो फोर्ट है ही नहीं है ना. फोर्ट तक जा ही नहीं सकते, कोई टूरिस्ट भी वहाँ जाने के लिए कुछ है ही नहीं. कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग तो ले गए गाड़ी, वैसे तो ऊपर तक गए. हम भी गए थे लेकिन फोर्ट के नाम पर सिर्फ दीवार है.
जो दूर से दिखती है वही ऊपर जाने के बाद कुछ दिखता है। इतना बुरा लगा, और मैं वहाँ के लोगों को पूछती थी कहाँ है फोर्ट भैया, तो बोलते देखो ये वॉल है ना बस यही रह गया है और ये सारी चमक का, ये ऐसा क्यों कर दिया है ना, ये तो बहुत बुरी बात है भाई, हम तो ऐसा नहीं करते, पृथ्वीराज चौहान कितने बड़े शासक थे ना, तो ये तो बहुत कुछ कुछ चीज़ें तो दुख लगती है। उनके नाम में ना स्मारक बना दिया सिर्फ, देखो ये तो बहुत, वो तो नया बनाया ना वहाँ पे, तो उनका कुछ था नहीं ना, जो फोर्ट है असली वो ना प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए, हाँ ऊपर बनना चाहिए था ना उनका, तो ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत दुख है। लेकिन कुछ भी हो हिस्ट्री में जो पाए, तो आपका वीडियो ऐसे ही पॉप अप हुआ, जब तो मैं देखने लगी तो फिर मेरे हस्बैंड को भी मैंने दिखाया, देखो कितना अच्छा कर रहे हैं ना, लाइक ये आप तो और भी अच्छे ऐसे ऐसे जगह पे जाते हो जो हम नहीं गए हैं ना, तो मैंने कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तब से मैं जो देख रही हूँ बहुत अच्छा लगा आपका गांव, आपके पेरेंट्स यू नो, आपकी बहन भी करती है ना, हाँ उसका भी जब आपका देखा तो उनका भी पॉपअप हुआ, तो मैंने कहा कितना अच्छा है, तो आई जस्ट फेल इन लव, तो फिर मैं एवरी आपका एपिसोड देखती हूँ और इंतज़ार करती हूँ। एक्चुअली मैं रात को, क्योंकि आप सुबह, आप लोग सुबह अपलोड करते हो मोस्टली, तो मैं रात को लाइक हमारा अच्छा, रात हो जाता है, शाम को होता है फिर। रात हो जाता है हमारा, जैसे आप 10 बजे करीब करते हो या कुछ भी, तो हमारा रात, फिर भी मैं बिना देखे नहीं सोती हूँ, मैं बोलती हूँ शायद अपलोड हो गया, तो ऐसे ही पॉपअप होता है, तो फिर मैं, वो भी रहता है मैं भी रहती हूँ, दोनों देख के सोते हैं हम लोग, क्योंकि इंटरेस्ट है ना राजस्थान की हर जगह देखने की, तो यहाँ के लोग लाइक यू नो अभी भी वो लाइफ जीते हैं यू नो, है ना, तो वो देख के मुझे अच्छा लगता है, जितनी भी पुरानी अरे नहीं नहीं खाने के लिए क्यों लेकर आए, अच्छा सिया सिया किधर आ, इधर आ बच्चा, घर पे बना के लेके आए, घर पे बना के लेके आए, देखो कुछ खाओगे, कुछ खाओगे पियोगे, चाय वाय पियोगे, नहीं नहीं चाय पीते नहीं है, चाय पीते नहीं, मैं आपको आपका इंतजार करके नाश्ता करके हम ब्रेकफास्ट साथ करेंगे ऐसा, अब इसको थोड़ा थोड़ा खा के देखो, गोंद भाग बनाया, इन्होंने गाजर का हलवा बनाया था वो भी हमने देखा, लड्डू बनाया था वो भी हमने देखा, कौन है ये प्यारी सी बच्ची, कौन है, हम तो इसका वीडियो में देखते रहते हैं, इतना बोलती है ये, यू नो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, बोलो शेयर करो, बोलो कमेंट करो, कितना क्यूट है, और ये तुम्हारे लिए, ओके दिस इज फॉर यू, ये ओके चलो, सो स्वीट, देखो हलवा बना के लेके आए, चलो हम चखते हैं, कोई बात नहीं, अब घर से बना हुआ है तो क्या बनाया, ये हलवा है ना, गोंद पाक का है, गोंद पाक, अच्छा गोंद पाक है, हाँ लेकिन ये साइड थोड़ा हो गया, ठंडा हो गया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही खाएंगे क्योंकि अभी अभी हमने नाश्ता किया ना, अभी अब मैं थोड़ा सा चखूंगी पहले, ठीक है, बहुत मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है, ये हमने दोबारा बनाया, पहले एक बार बनाया था वो तो खा गए, और खुद बना बना के खाने का शौक है तो खुद ही बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि बाहर वाली चीजें है ना वो अच्छी नहीं मिलती, अच्छी नहीं मिलती, हाँ, अब इसमें क्या है कि अच्छी अच्छी चीजें डाल के फिर घर की चीजें होती है ना, ये बनाई ना मैं देखी, मैंने गाजर का हलवा और वो गोंद, हम भी, और हम जहाँ रुकते हैं ना वहाँ दूध भी जो निकालते हैं ना गाय भैंस, वो लेके आते हैं, खेत से लोगों की सब्जी भी तोड़ के लाते हैं, वो भी मैंने देखा, मैंने कहा वाह बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका, आपकी जो वीडियोस है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, हाँ लीजिए लीजिए थोड़ा जूस पीजिए, खांसी आई तो खांसी करते थे, पापा की ये डालोगे, ठीक है चलो मैं, हम ले लेते हैं, हाँ ले जाएंगे, ले जाएंगे, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लाइक करो सब्सक्राइब करो, बोलती है इतना क्यूट ही बोलती है, MBA कर रहा है, अच्छा। तो उसकी क्लासेस होती है तो इसलिए, नहीं तो वो आता है अभी ये मई में उसका MBA खत्म हो जाएगा, तो ये नवंबर में फिर हम वापस आ रहे हैं, फिर नवंबर में आएंगे तो राजस्थान का कोई ना कोई टूर तो लगेगा ही, नैनीताल जर्नी करके एक चैनल है मेरा, यूट्यूब पर आपने बनाया, हाँ यूट्यूब पे मैंने बनाया है, तो मैं आपको शिकागो दिखाऊंगी, और क्या दिखाऊंगी, US दिखाऊंगी, और थोड़ी बहुत इंडियन हिस्ट्री जो मेरे को पता है वो भी मैं आप, क्या नाम, संगीताज जर्नी, संगीताज जर्नी, ठीक है, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल का, उसका भी आप इंडिया में हो, कौन सी जगह से, दिल्ली, हाँ दिल्ली से, गांव रह लेते पकड़ लेते आपका
लैंग्वेज का शुद्धि है ना, मेरे को अच्छा लगता है। आप भी इंडिया के मतलब यहीं से? मेरे हस्बैंड नेपाल के। नेपाल के? अच्छा, नेपाल के। हिंदी तो बात, लेकिन फिर भी आपको इंडिया। हम जब भी हम पहले जब भी देश से बाहर जाएंगे ना, तो सबसे पहले नेपाल जाना पसंद करें। चलो, बहुत है, ये भी बहुत है। पता ही नहीं था ना कि मिलेंगे, इतना मैंने सोचा नहीं, इतने दूर का सोचा नहीं। हमें भी आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ये गिफ्ट आपको, आई नो, सबको देते हैं। देखो ये, देखो सुब जर्नी, मेरे को भी मिल गई। अब मैं इसको ले जाऊंगी शिकागो, अमेरिका के घर की चाबियां डालोगे? हां, मेरी दुकान की, मेरी स्टोर की। ओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और ये आपको भी, मम्मी को भी दिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये तो ये नहीं छोड़ेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, खुशी हुई। नाम क्या है जी? शारदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले, हमारे जो नए दोस्त अमेरिका से, फ्रेंड सब्सक्राइबर जो आए थे, उन्होंने जो गिफ्ट दिया वो देखते हैं क्या है। ये दिखाना, संगीता जी और अंजय जी। अंजय जी बेटे दिखा दो। वाओ, या सिया लेके आएगी, लेके आएगी और ये खाएगी। अब देखते हैं क्या है। ये बिकानो का, यहीं का है। वाओ, हैं कतली। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगीता जी। ओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सिया। हाँ, इसको इसको सब कुछ। हाँ, अब खा के बता कैसी है। काजू कतली है, काजू कतली अच्छी है। थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छी लगी आपकी मिठाई। और दोस्तों, हमने करीब एक घंटा का, ज्यादा लगभग एक घंटा से कम तो नहीं, ऊपर ही हो गया। एक घंटे तक लगातार बातें की उनके साथ में, बहुत ही अच्छा लगा हमें सब्सक्राइबर से मिल करके। और थैंक यू, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब जो है वो नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे टूरिस्ट पैलेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही आप इस YouTube चैनल सुख जर्नी को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ऐसी शेयर करें, पतली खाएं। ये क्या चीज है? पतली पतली है, काजू कतली है। काजू कतली है।